वेलकम बैक टू माई चैनल नदन कपल सदन लाइफ। एंड आज हम लोग जाने वाले हैं टेम्पल। सो देखिए हम लोग रेडी हैं और आज हम लोग जाने वाले हैं कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल। यहाँ पर बहुत ही फेमस है इस प्लेस में, प्लानों में। तो अभी मेरे हस्बैंड के मैनेजर आने वाले हैं तो हम उन्हीं के साथ जाने वाले हैं। तो अब आज हम चलते हैं हनुमान जी के टेंपल और आपको भी अपने साथ लेकर चलते हैं और देखते हैं अमेरिका में कैसे होते हैं हिंदू टेंपल्स। तो चलिए आज हमारे साथ। तो जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं तो मेरे हस्बैंड के जो मैनेजर हैं उन्होंने हम लोगों की काफ़ी हेल्प की है और काफ़ी सपोर्ट किया है हम लोगों को, और इस मंदिर के बारे में भी इन्होंने ही बताया था हम लोगों को, और वो आज हम लोगों को लेकर जा रहे हैं अपने साथ। तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब से हम लोग यहाँ आए हैं तो कहीं घूमने जाने को मिला नहीं है, सिर्फ ग्रॉसरी स्टोर ही गए हैं हम लोग। तो आज कहीं जाने को मिल रहा है बाहर तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मैं बता दूँ अभी दोपहर के 12:30 बजे का टाइम हो रहा है और बाहर बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पर। तो अभी हम लोग मंदिर के पास जो ऑपोजिट में पार्किंग है वहाँ पर आ गए हैं। मंदिर के अंदर भी पार्किंग का एरिया है मगर सुबह 9 बजे से मंदिर खुल जाता है और आज सैटरडे है तो वीकेंड्स पर लोग जल्दी आ जाते हैं, इसलिए पार्किंग मंदिर के अंदर की फुल हो गई है। इसलिए हम लोगों ने ऑपोजिट में जो पार्किंग एरिया था मंदिर के वहाँ पर पार्किंग कर दी और रोड क्रॉस करके हम लोग यहाँ पर आ गए। और देखिए कितने बड़े हनुमान जी यहाँ पर बने हुए हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी है, माय गॉड। और फाइनली हम लोग टेंपल आ गए हैं। और मंदिर के अंदर काफ़ी जगह ये नारंगी कलर के झंडे लगे हुए हैं जो देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे, क्योंकि हनुमान जी का टेंपल है इसलिए यहाँ नारंगी कलर के झंडे हर तरफ लगे हुए हैं। और ये देखिए अब मंदिर का जो आर्किटेक्चर है वो आप देख सकते हैं, द्रविड़ियन स्टाइल में है। तो ये पूरा साउथ इंडियन स्टाइल में मंदिर बना हुआ है। और मंदिर का जो प्रमाइसिस है वो काफ़ी बड़े एरिए में बना हुआ है और अंदर से भी मंदिर बहुत बड़ा है। और यहाँ पर बहुत सारे भगवान जी रखे हुए हैं तो यहाँ पर हम उनके दर्शन करने के लिए आए हुए हैं अंदर। तो मंदिर के एंट्रेंस से हम सीधे बैक साइड में आ जाते हैं, यहाँ पर सारे भगवान जी के दर्शन करते हैं, क्योंकि जो मेन यहाँ के काव्य सिद्धि हनुमान जी हैं वो मंदिर के मतलब अंदर में फ्रंट साइड में है। तो पहले हम जो भी लोग आते हैं वो पहले बैक साइड से दर्शन करते हैं और फिर एक राउंड लगाकर सारे भगवान जी के दर्शन करके फिर हनुमान जी के दर्शन करते हैं। तो अभी हम यहाँ से सारे अंदर सारी जगह घूम ले रहे हैं और बहुत अच्छे से देख ले रहे हैं। टेंपल भी काफ़ी अच्छा और बड़ा है और यहाँ पर आज एक स्वामी जी आए हुए हैं तो यहाँ पर प्रवचन भी चल रहा है, इसलिए आज यहाँ पर बहुत भीड़ भी है। और ये देखिए अभी हम आ गए हैं यहाँ पर कार्तिकेय भगवान जी के दर्शन करने के लिए। और ये रहा उनका जो सवारी होती है ना, भगवान कार्तिकेय की मयूर की सवारी करते हैं, तो यहाँ पर उनकी ये देखिए मंदिर के सामने यहाँ पर मयूर भी है। और ये रहे स्वामी सच्चिदानंद महाराज जी जो कि आज यहाँ पर प्रवचन करने के लिए आए हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पर कितनी सारी भीड़ है। और ये देखिए अब हम लोग मंदिर के बैक साइड से घूमते हुए यहाँ पर सामने की तरफ आ गए हैं और यहाँ पर भी एक भगवान जी हैं। और इसके बाद अभी हम जा रहे हैं ये यहाँ पर है, ये हैं काव्य सिद्धि हनुमान जी जो बहुत ही फेमस है, इन्हीं का ये टेंपल है इन भगवान जी। और ये है देवी जी का टेंपल। और मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर के हमने हनुमान जी के मंदिर कर दर्शन करने के बाद यहाँ चारों तरफ उनकी परिक्रमा की जाती है और यहाँ पर कुछ मंत्र लिखे हुए हैं जो बहुत सारी लैंग्वेजेस में लिखे हुए हैं। तो ये हिंदी, तेलुगु और भी बाकी लैंग्वेजेस में लिखे हुए हैं। तो लोग यहाँ पर उस मंत्र को पढ़ के 10-11 बार राउंड लगाते हैं। और ये आप देख रहे हैं ये
तीन खम्बे हैं जो बहुत ही फेमस हैं, ये विशिंग पिलर्स कहते हैं इनको। तो ये जो अभी पहला पिलर देखा वो आपने, वो हेल्थ के लिए, जॉब के लिए और अदर प्रॉब्लम्स के लिए, दूसरा वेल्थ के लिए और तीसरा स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए। तो आपकी जो भी मन्नत है इन तीनों पिलर्स में से, मतलब जो भी आपको लगता है, जिस भी चीज़ की आपको मन्नत लेनी है, वो उस नाम से आप हनुमान जी का नाम लेके इस पिलर्स में धागे बांध सकते हैं और भगवान जी आपकी काफ़ी सिद्धि, हनुमान जी उन मन्नत को पूर्ति करते हैं। और ये रहे स्वामी सच्चिदानंद महाराज जी। तो यहाँ पर अभी प्रवचन ख़त्म हो गया है और सभी लोग उनके दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, इसलिए सभी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। और आप मंदिर में अंदर ये देख सकते हैं, यहाँ चारों तरफ फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। तो ये हैं हनुमान जी के जितने भी बचपन से लेकर, और रामायण में जो राम जी के साथ जितनी भी उनकी मतलब पूरी लीलाएं हैं, वो सारी फ़ोटोज़ में बनी हुई हैं। तो कम से कम 50 से ज़्यादा यहाँ फ़ोटोज़ हैं उनकी। और ये देखिए यहाँ पर हम लोग भी अंदर ही यहाँ पर आए हुए हैं। और अब हम लोग यहाँ से भगवान जी के दर्शन कर चुके हैं और अब हम यहाँ से जा रहे हैं बाहर को थोड़ा सा मंदिर घूमने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर कितने बड़े एरिया में बना हुआ है और बहुत सारे यहाँ पेड़ भी लगे हुए हैं और फ्लावर्स वगैरह भी हैं, तो बहुत सुंदर लग रहा है ये मंदिर। और ये एक हाथी भी बना हुआ है मंदिर के एंट्रेंस में। तो अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर, आज स्वामी जी आए हुए हैं तो यहाँ पर फूड अरेंजमेंट भी है, अदरवाइज़ बाकी डेज़ में अगर आप आते हैं तो यहाँ कैंटीन भी बनी हुई है जिसमें साउथ इंडियन फूड मिलता है, जिसमें इडली सांभर वड़ा और डोसा वगैरह भी मिलता है। बट आज स्वामी जी आए हुए हैं तो अलग से फूड का अरेंजमेंट है, तो आज हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। सो यहाँ पर दो दो अलग अलग जगह पर टेंट लगे हुए हैं, जहाँ पर खाने बैठकर खाने का अरेंजमेंट है, यहाँ टेबल वगैरह लगे हुए हैं। और यहाँ पर हमें सबसे पहले क्यू लगानी पड़ती है क्योंकि बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो हम एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर हम लाइन में खड़े थे तो ये हमें एक पैम्पलेट मिला है जिसमें ये एक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पर आनंद बाज़ार करके एक मार्केट है, तो वहाँ पर बहुत सारे फ्री इवेंट होने वाला है, तो बच्चों के लिए और प्ले कुछ गेम्स वगैरह है, फायर जोन, तो उसी के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर 20th of August को वो इवेंट होने वाला है। और अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर हम लोगों को खाने में मिला है दाल चावल, भिंडी की सब्ज़ी, रस मलाई, कर्ड राइस और टमाटर की पचड़ी। और अब हम लोगों ने यहाँ पर खाना खा लिया है और अब हम लोग बाहर आ गए हैं। ये देखिए ये वही जगह है जहाँ से हम लोगों ने एंटर किया था। और अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, तो वापस जाने के लिए वो फिर से आप देख सकते हैं, वो बहुत सारी कारें रखी हुई हैं अपोजिट में, तो हम यहाँ से रोड क्रॉस करके जाएंगे। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो, तो होप आपको अच्छा लगा हो। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।